भारत के अनसुलझे रहस्य। एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज, जिसे के हम हिंदी में राम सेतु नाम से जानते हैं, रामायण के मुताबिक इस पुल को सैकड़ों वानरों ने मिलकर बनाया था। 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा यह पुल भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। ये पुल रहस्यमय इसलिए है क्योंकि ये पुल पानी में तैरने वाले पत्थरों से बना है। रामायण की कहानी के मुताबिक दो वानर नाला और नीला, जिन्होंने इन पत्थरों पे राम लिखा, ये पत्थर अपने आप ही जादुई तरीके से पानी पे तैरने लग गए। वैज्ञानिकों के बीच आज भी इस पुल की निर्मिति के कारण के ऊपर बहस होती है। यहाँ तक कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने भी इस पुल की निर्मिति के कारण के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आपको क्या लगता है, ये पुल वानर निर्मित है या फिर किसी नैसर्गिक तरीके से बना हुआ सामान्य पुल है? प्रहलाद जानी। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर अंबाजी नाम की जगह पे एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है प्रहलाद जानी। इस आदमी को लोग चुनरी वाला माताजी के नाम से भी जानते हैं। प्रहलाद जानी की खास बात यह है कि 1940 के बाद आज तक उन्होंने अन्न और पानी दोनों में से कुछ भी ग्रहण नहीं किया। प्रहलाद जानी, जो अंबा माता के कड़े भक्त हैं, वे बिना खाना और पानी पिए 75 साल तक जिंदा हैं। प्रहलाद जानी बिना खाना खाए और पानी पिए कैसे जीवित हैं, ये बहुत बड़ी पहेली है। इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने की थी। उन लोगों ने 2010 में 15 दिन के लिए प्रहलाद जानी को कड़ी निगरानी में रखा। 2400 घंटे और हफ्ते के 7 दिन 3 कैमराज प्रहलाद जानी पे कड़ी नज़र रखे हुए थे और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स प्रहलाद जानी के हर छोटी से छोटी हरकत का परीक्षण करते थे। आखिर ये 15 दिनों का सिलसिला ख़त्म हो गया, पर उन प्रोफेसर्स के पास अब जवाबों से ज़्यादा सवाल थे। प्रहलाद जानी बिना अन्न और पानी के आज तक कैसे जीवित हैं, ये पहेली सुलझ नहीं पाई। पुनर्जन्म का रहस्य। दिल्ली के एक छोटे शहर में पैदा हुई शांति देवी एक 4 साल की छोटी बच्ची थी, पर वो किसी बुजुर्ग महिला की तरह बर्ताव करती थी। ये 4 साल की छोटी सी बच्ची अपने माता पिता से कहती थी कि वो शादीशुदा है और उनका पति मथुरा में उनका इंतज़ार कर रहा है, पर छोटी बच्ची की इन बातों को घर वालों ने अनदेखा कर दिया। अपनी पाठशाला में और घर में वो अपने शिक्षकों और अपने माता पिता को बार बार कहती थी कि वो शादीशुदा है और उनका बच्चे को जन्म दे के 10 दिन बाद मृत्यु हो गया था। पाठशाला के शिक्षकों की माने तो ये बच्ची अपनी मथुरा की क्षेत्रीय भाषा में बात करती थी और बार बार अपने पति केदारनाथ का नाम लेती थी। इस बात में स्कूल के हेडमास्टर ने रुचि दिखाई और उन्होंने शांति देवी के पिछले जन्म के पति केदारनाथ को मथुरा से ढूंढ निकाला। केदारनाथ ने इस बात की पुष्टि की कि उसकी पत्नी लुगदी देवी का बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मृत्यु हो गया था। इस घटना के बाद केदारनाथ और उनके बच्चे को दिल्ली में बुलाया गया। शांति देवी ने जब केदारनाथ और उसके बच्चे को देखा तो तुरंत ही उन्हें पहचान लिया। केदारनाथ ने उस छोटी बच्ची से कई सवाल किए, पर हर सवाल का जवाब शांति देवी ने बखूबी दिया। इस सवाल जवाब के सिलसिले के बाद केदारनाथ को यकीन हो गया था कि ये और कोई नहीं उसकी पत्नी लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। इस सनसनीखेज घटना के पीछे का सच जानने के लिए महात्मा गांधी ने एक जांच कमेटी का गठन किया और इस जांच कमेटी ने शांति देवी के कई परीक्षण किए, पर हर कसौटी पे शांति देवी खरी उतरी और आखिरकार उस रिपोर्ट में कहा गया कि शांति देवी ही लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। ताजमहल।
ताजमहल, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल के समाधि के तौर पर बनाया था। ताजमहल, जिसे हम प्यार का प्रतीक मानते हैं, इस भव्य इमारत को बनाने में बेशुमार दौलत खर्च हुई थी। लगभग 20 साल में 20,000 मजदूरों ने मिलके इसे बनाया था। पर क्या ये सब सच है? अगर दिल्ली के प्रोफेसर पीएन ओक की माने तो ये कोई समाधि नहीं, बल्कि ये शंकर भगवान का एक मंदिर है। और इस मंदिर का असली नाम ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल है। प्रोफेसर पीएन ओक के मुताबिक मुगल सम्राट शाहजहां के हुक्म से इस मंदिर को समाधि में परिवर्तित किया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं, मुगल सल्तनत के दौर में अपने दुश्मनों के राज्य में स्थित मंदिर तोड़ के उसके जगह समाधि और मकबरे बनाने की परंपरा थी। क्या तेजो महल इसी परंपरा का शिकार हुआ था? इतिहासकारों के हिसाब से जब ताजमहल बन रहा था, उन 20 सालों में बाहर देशों से भारत में जो यात्री आए, उनके यात्रा विवरण के मुताबिक उस वक्त कोई भव्य इमारत भारत में बन नहीं रही थी। क्या तेजो महल सच में किसी साजिश का शिकार हुआ था, या फिर ये कोई बेबुनियाद सा सिद्धांत है? ताजमहल के इस रहस्य के बारे में आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।